Hello students, how are you? I hope you all are fine at home. Today I am going to discuss about the topic meter, which is a standard unit of measuring length. In previous video, you have learned about non-standard units of length and standard unit of measuring length, centimeter. Now students, the symbol of the meter is we use meter to measure long length short distance and long height. Now students, I am going to explain how can we measure long length, short distance and long height with the help of meter. We measure long length such as the length of a sari or the length of a car or length of a room. We use मीटर टू मेजर दिस टाइप ऑफ लेंथ. यानी जब भी हमें लॉन्ग लेंथ को मेजर करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं. ओके, शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आपके प्लेग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है, तो उसे कहा हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे. आपके पूरे हाउस की लेंथ कितनी है या इस हाउस से जो आपका नेबर हाउस है वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो उसको किस में मेजर करेंगे, हम मीटर में मेजर करते हैं. ठीक है, या विलेज के अंदर का एरिया जो है वो हम क्या करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं. लेकिन अगर हमें एक विलेज से दूसरे विलेज या एक सिटी से दूसरे सिटी को डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, ना कि मीटर का. तो जब भी हमें शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम मीटर का यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट लॉन्ग हाइट, फॉर एग्जांपल हमें किसी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना है तो हम उसके लिए सेंटीमीटर का तो यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि सेंटीमीटर जो है शॉर्टेस्ट यूनिट है लेंथ को मेजर करने की. और अगर हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइट को मेजर करने के लिए लॉन्ग हाइट है तो हम मीटर का यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, किसी भी लॉन्गर लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है इसका यूज करते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ. यानी हम लेंथ की जो यूनिट है सेंटीमीटर और मीटर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. ओके, नाउ देयर आर टू यूनिट्स ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर एंड मीटर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्जन मीटर इनटू सेंटीमीटर. ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू वांटेड टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, वी मल्टीप्लाई मीटर बाय 100. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो जब भी हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 4 मीटर इंटू सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 4 मीटर इंटू सेंटीमीटर. 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, 4 मीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर. नाउ द आंसर इज 400 सेंटीमीटर. ओके, तो स्टूडेंट्स
कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम क्या करेंगे मीटर को 100 जो भी नंबर है उसको, मीटर में जो भी नंबर है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कन्वर्ट 5 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हमें इसको क्या करना है 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो एज यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 मीटर 20 सेंटीमीटर इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। नाउ द आंसर इज 500 प्लस 20 सेंटीमीटर, 520 सेंटीमीटर इज द आंसर। इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन सेंटीमीटर इनटू मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर एंड इन दिस टॉपिक वी हैव कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू वांटेड टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, वी डिवाइड सेंटीमीटर बाय 100। अब क्या करेंगे सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे। एज यू नो दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो हमें इसको जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया था मल्टीप्लाई किया था। ओके, नाउ द एग्जांपल इज 600 सेंटीमीटर इंटू मीटर। हमें क्या करना है 600 सेंटीमीटर को 600 सेंटीमीटर को क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या करेंगे 600 सेंटीमीटर इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 100। नाउ द आंसर इज 600 डिवाइडेड बाय 100, 100 सिक्स आर 600। नाउ 6 इज अ कोशेंट एंड आंसर इज 6 मीटर। इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन कंप्लीट, लेट्स ट्राई 2 एंड 3, दिस इज योर होमवर्क। ओके, टिल देन गुड बाय।